चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, घंटी जरूर बजाइए। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, स्वाभा के बगल में बैठी। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गम घुट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जेएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ, बच्चे साथ में है, क्या संस्कार दो? तो युवतियां भी भाग रही, उस ओढ़ में, उस दौड़ में, और जो उन्होंने देखा वही करने लगते हैं, जो सुना जो देखा। तो जो आजकल यार टीवी हमारे सामने आ गया है, फोन हाथ में हो गए बच्चों के, उसका एक परिणाम है, दुष्परिणाम भी है, अच्छा भी है, दोनों है। लेकिन उसको गाइडेंस देना है। परिवार में किस प्रकार का वातावरण है, स्कूल से नहीं होने वाला है। स्कूल में बच्चा 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा रहता, बाकी शेष अधिकतम घंटे माँ बाप के पास बिताता है। वो अभिभावक क्या संस्कार दे रहा है? अभिभावक में मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, जो पढ़ाने वाला टीचर है वह भी अभिभावक में आता है, हर कोई अभिभावक में आता है, बच नहीं सकता। मैं अपने बच्चे को क्या संस्कार दे रहा हूं? खान पान किस तरह का, रहन सहन किस तरह का, वो क्या देख रहा है? वो जो देखता है वो करता है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा।